साल बाद आई इतनी भीषण महामारी कदम कदम पर दुनिया की परीक्षा ले रही है। बीते कुछ समय से अनेकों लोग जिस दर्द से गुजरे हैं, तकलीफ से गुजरे हैं, वो मैं भी उतना ही महसूस कर रहा हूं। दूसरी लहर में कोरोना के हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार इस तरह से भरोसा देने आए हैं। अप्रैल में राष्ट्र के नाम संबोधन में मोदी ने ये तो कहा था कि अब की बार कोरोना तूफान बनकर आया है, लेकिन आज उन्होंने कोरोना से जंग में देश की जीत का भरोसा दिया। भारत हिम्मत हारने वाला देश नहीं है, न भारत हिम्मत हारेगा और न कोई भारतवासी हिम्मत हारेंगे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक कोरोना से जंग में देश के सामने जो चुनौतियां आई हैं, उससे निपटा जा रहा है। देश का प्रधान सेवक होने के नाते आपकी हर भावना का मैं सहभागी हूं। कोरोना की सेकंड वेव से मुकाबले में संसाधनों से जुड़े जो भी गतिरोध थे वो तेजी से दूर किए जा रहे हैं। युद्ध स्तर पर काम करने का प्रयास हो रहा है। बीते कुछ दिनों में कोरोना को लेकर कई फैसले हुए। गुरुवार को ही सरकार ने वैक्सीनेशन का अपना प्लान भी देश को बताया है, लेकिन सरकार जितना भरोसा देने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस जैसे विपक्षी दल उतने ही तेज हमले कर रहे हैं। खासकर वैक्सीनेशन की नीति को लेकर सरकार पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। अभी दो दिन पहले ही 12 विपक्षी दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर 9 मांगों के साथ सरकार के रवैये पर सवाल खड़ा किया है। इस बीच यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी से दिल्ली पुलिस की पूछताछ का मामला भी खाई चौड़ी कर सकता है। दिल्ली पुलिस ने श्रीनिवास बीवी से संकट के समय में उनके पास मौजूद रही ऑक्सीजन सिलेंडर्स और दवाइयों के सोर्स को लेकर पूछताछ की है। श्रीनिवास बीवी सोशल मीडिया पर सक्रिय रहकर जरूरतमंदों को मदद पहुंचा रहे थे। अब राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है, बचाने वाला हमेशा मारने वाले से बड़ा होता है। देश के हर व्यक्ति को निर्णय करना पड़ेगा कि क्या मुसीबत में ऑक्सीजन पहुंचाना अपराध है, क्या रेमडेसिविर का इंजेक्शन लेने में मरते हुए व्यक्ति की मदद करना अपराध है। लगता है नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हाँ ये अपराध है, इसीलिए आज भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के कार्यालय में बी श्रीनिवास जी और युवा कांग्रेस की पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस को अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने भेजा है। श्रीनिवास से पहले आप नेता इमरान हुसैन भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स की होर्डिंग को लेकर घिर चुके हैं। आज तक ब्यूरो।